हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन के सर्विस सेंटर के बारे में। अगर आपका कैमरा ख़राब हो गया है या फिर आप वैसे ही देख रहे हैं, अगर आप कैनन का कैमरा लेने जा रहे हैं तो आखिर आपको कैमरा लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर इसका सर्विस सेंटर किस तरीके से इसकी जो सर्विस है वो देता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो कि इसका सर्विस सेंटर है वो थोड़ा दूर दूर पर हैं, ठीक है, पर कलेक्शन सर्विस सेंटर हैं वो आपको सभी जगह मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बरेली के आसपास रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर अब बरेली में यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका सर्विस सेंटर नहीं है, यानी कि कलेक्शन सर्विस सेंटर है, यानी कि मास्टर सर्विस सेंटर नहीं है। जो इसका मास्टर सर्विस सेंटर है वो दिल्ली में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अभी मैं आपको जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जो कैनन के मार्क 2D से ही यहाँ पर वीडियो शूट हो रही है, कैनन 200D है मार्क 2, ठीक है। तो उसी से ही इस कैमरे से वीडियो शूट हो रही है। अब ये कैमरा यहाँ पर ख़राब हो गया था। ख़राब किस तरीके से हो गया था, जैसे कि जब भी मैं इस वीडियो को कहीं पर शूट करता था तो कहने का मतलब जो अलग से महक लगाता था, इस समय जो महक है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये महक लगी हुई है, ठीक है, वायर वाली। तो अब मैं इससे यहाँ पर बोल रहा हूँ तो जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो अब आपको आवाज़ सुनने को बिल्कुल साफ मिलती होगी, ठीक है। पर पहले था कि जब भी मैं इसमें महक लगाता था अलग से, ठीक है, तो वो आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यानी कि जो वायरलेस महक है वो यानी कि हटा देता था इससे, ठीक है, तो आप कहीं पर भी वीडियो शूट करते उसके अंदर आवाज़ बेकायदा रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं बटलर गया बरेली में, तो वहाँ पर जो ये कैमरे के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं वहाँ पर कि इससे सामान ना वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर एक जनी की दुकान थी, एक व्यक्ति की, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा या तो इसकी AC चलेगी यानी कि मदरबोर्ड इसका ख़राब हो चुका है, ठीक है, पर कैमरा पूरी तरीके से काम कर रहा था, बस इसके अंदर हम जो अलग से मैक थी वो यहाँ पर लगा रहे थे तो वो उसके द्वारा जो वीडियो में आवाज़ थी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद में मैं एक और गया, पूरी बरेली में जाने के बाद सिर्फ 2 लोगों के पास ही संभालना आता था, ठीक है, तो उनसे ही मैंने जाकर पूछा। अब उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये कहा कि ये कैमरा अभी वारंटी में है कि नहीं है, तो मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो कि ये कैमरा वारंटी में है कि नहीं है, क्योंकि जो बिल था वो मेरे घर पर था और मैं बरेली में रह रहा था, ठीक है। घर जाऊँगा तब मैं उस बिल को देखूँगा, उसके बाद ही देखता हूँ। और उन्होंने सीधे साफ साफ कह दिया था, उन्होंने सारी सेटिंग्स वगैरह थी कैमरे के अंदर वो सारी करके देख ली, रीसेट वगैरह, जैसे कि फ़ोन हम रीसेट करते हैं तो सारी सेटिंग्स अपने आप हो जाती हैं, कोई सेटिंग गड़बड़ हो जाती है तब, ठीक है, तो वो भी उन्होंने सब कुछ करके देख लिया था। उसके बाद में अब जब उन्होंने यही कहा कि देखो इसकी भैया जो AC होती है वो ख़राब हो चुकी है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड में होती है, और वो AC पड़ती नहीं है, इसका पूरा मदरबोर्ड ही पड़ता है, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद मैं घर पे गया, मैंने बिल देखा तो उसमें 8 मंथ अभी बकाया थे जो कि कैमरा मेरी वारंटी में था। अब वारंटी में उसके बाद मैंने यहाँ पर कार्ड पे जो भी सर्विस सेंटर का नंबर होता है मैंने वो लगाया। उसके बाद में बरेली में ही इसका कलेक्शन सर्विस सेंटर निकला, उन्होंने वहाँ पर मुझे नंबर दिया, उन्होंने कहा आप इस नंबर पर कॉल करें और उनसे पूछें कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने फिर पूछा तो उन्होंने बटलर में ही बताया, ठीक है, हालांकि और मेरे पास वारंटी कार्ड नहीं था तो मैं लोगों से पूछ भी रहा था तो वो सीधे एक ही जगह बता रहे थे, जैसे कि मुंबई, चेन्नई और जैसे कि दिल्ली, उन्हीं में ही बताया था, ठीक है। पर वहाँ पर उनके जो मैन सर्विस सेंटर है मास्टर सर्विस सेंटर, कहने का मतलब अगर आपका बरेली में है कलेक्शन सर्विस सेंटर तो आप वहां पर कैमरे को जमा कर दीजिएगा, आपका कैमरा फिर वहां से जाएगा मास्टर सर्विस सेंटर के लिए, ठीक है, जो भी पास में पड़ता होगा, तो वहां पर आपका कैमरा संभलेगा, तब आपको फिर वहीं पर आएगा जहां पर आपने जमा किया था, ठीक है, यानी कि कलेक्शन सर्विस सेंटर में, फिर उसके बाद में आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कैनन सर्विस सेंटर वालों ने ये भी कहा था, जो कलेक्शन सर्विस सेंटर है वहाँ पर मैं गया था तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ मास्टर सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर यानी कि तुरंत संभल कर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा क्योंकि मेरा YouTube का काम था तो मैं परेशान भी था काफ़ी, ठीक है, तो मैंने कहा चलो अच्छा 200-400 रुपये जो भी लगेंगे मैं खुद अपने पास से लगा लूँगा और मैं खुद दिल्ली चला जाता हूँ। मैं दिल्ली गया जो कि इनके
कैनन सर्विस सेंटर के मास्टर सर्विस सेंटर पर, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपको आपको बरेली दे देना था क्योंकि, तो मैंने कहा मुझे ये पता था कि वहाँ पर तुरंत की तुरंत समझ जाते हैं, मुझसे ये भी कहा था मैंने जो जो मैं यहाँ पर गया था बरेली सर्विस सेंटर पे, कनेक्शन सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने जो जो कहा था मैंने वहाँ पर उन्होंने कहा, उनसे मैंने कहा ठीक है, जो भी अधिकारी लोग थे तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अब आप इसे जमा कर जाइएगा, क्योंकि हमारी 3 दिन की तो छुट्टी बता रहे थे, शुक्रवार को बता रहे थे कि ये बंद रहता है, उसके बाद में शनिवार को कोई छुट्टी थी, ठीक है, यानी कि बड़ा दिन था जना कुछ ऐसा ही कुछ था, तो उस वजह से यानी कि गुड डे था, यानी कि अच्छा दिन था, तो उस वजह से वहाँ पर छुट्टी थी, ठीक है। उसके बाद में रविवार पड़ गया तो उन्होंने कहा ये 3 दिन तो आपका कैमरा नहीं संभलने वाला है, आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर आप अपने पास रखें, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ से गया हुआ और क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एक दिन के लिए, ठीक है, अगर हम कहीं पर रूम भी लेंगे तो एक दिन के लिए ही किराए पर ले सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे से बात है और मैं इस तरीके से आया हुआ हूँ तो आप देख लीजिएगा, तो बोले देखो अभी तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आप दे जाते हैं तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं बरेली जाकर फिर दूंगा तो बरेली से फिर यहाँ पर आएगा, तो इसलिए आप ऐसा कर लीजिएगा, आप इस कैमरे को यहीं पर जमा कर लीजिएगा और समरवा के मेरे बरेली भेज दीजिएगा, मैं बरेली से ले लूँगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम ऐसा कर देते हैं, तो उन्होंने मुझे दो यानी कि दो स्लिप दी जो भी उनकी टर्म कंडीशंस थी पॉलिसी को लेकर, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के उन्होंने मुझसे सिग्नेचर्स कर लिए और दोनों पेपर्स पे, तो एक पेपर्स उन्होंने अपने पास रखा, एक पेपर्स मुझे दिया, ठीक है। तो इससे उन्होंने कहा था कि ये पेपर अगर आप बरेली कलेक्शन सर्विस सेंटर पर जाकर पेपर ये देना है आपको, यानी कि ये स्लिप देना है और उसके बाद में आपको कैमरा वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप खुद वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं और ये स्लिप किसी को आप दे देते हैं तब भी आपको वहाँ पर कैमरा मिल जाएगा, कहने का मतलब आप उस स्लिप के ज़रिए किसी दूसरे से भी कैमरा मंगवा सकते हैं। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा था जो भी कैमरे में कमी होगी, ठीक है, वो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। तो उन्होंने फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरा नाम पूछा और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम इसका मदरबोर्ड डाल देते हैं और उसके बाद में आप दूसरी महक लगा के वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आप दूसरी महक लगा के देख लूँगा, फिर भी आप अपनी तरफ से जो भी आपके पास महक हो आप उसे लगाकर और चेक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ हम चेक करके ही भेजेंगे, हम आज संभाल देते हैं इसे, कल हम दिल्ली से बरेली के लिए भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 दिन बाद मुझे बरेली से ही फ़ोन आ गया कि आपका कैमरा आ चुका है, आप यहाँ पर आइएगा और कैमरा लेके चले जाएगा, इसी के साथ में स्लिप को ज़रूर ले आना, ठीक है। तो ये तो था एक पूरा मसला कि भाई इस तरीके से इसका सर्विस सेंटर है और इस तरीके से आप अगर कैमरा कभी भी ख़राब हो जाता है तो आप वहाँ पर यानी कि संभलवा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जानकारी निकाल भी सकते हैं कि आखिर आपके आसपास कहीं पर भी ये सर्विस सेंटर है कि नहीं है, क्या मास्टर सर्विस सेंटर है कि नहीं है और या फिर कलेक्शन सर्विस सेंटर है कि नहीं है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कैमरा ले रहे हैं कैमरा अच्छे हैं और इसी के साथ में सर्विस भी अच्छी है, ठीक है, पर यह है कि जिसके सर्विस सेंटर हैं मास्टर सर्विस सेंटर वो जल्दी आसपास नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि मुझे मैंने खुद वहाँ पर जाके मास्टर सर्विस सेंटर पर जाके कैमरा जमा किया था, उसके बाद मुझे 3 दिन की वो छुट्टी पड़ गई और 3-4 दिन मुझे वैसे लग गए थे, तो लगभग मुझे यहाँ पर 7 दिन लग गए थे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ये कैमरा मिल गया था। अब उसकी जो वीडियो वगैरह हैं वो भी आप वहाँ के ऑफिस वगैरह की देख ही सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हाँ, और इसी के साथ में जो कैमरे को चेक करके स्लिप वगैरह आई थी उसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।